नमस्कार, आप देख रहे हैं सरमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज दूसरा रोज था। आज विधानमंडल में चमकी बुखार को लेकर के मामला काफी गरमाया रहा। विपक्षियों ने जमकर नारेबाजी की। वाले मामले में हमारा कार्य स्थगन मंजूर हुआ था, उस पर बहस भी हुई है, लेकिन जो हम लोग का मांग था कि माननीय मुख्यमंत्री सहित मंत्री पद से इस्तीफा लोग दे, लेकिन लोगों ने नहीं दिया, केवल भाषण दिया है, लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है, इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और सदन में भी हम लोगों ने इस्तीफा मांगा था कि माननीय मुख्यमंत्री सहित मंत्री पद से स्वास्थ्य मंत्री भी इस्तीफा दें। आगे क्या रणनीति होगी? हम लोग विचार कर रहे हैं और आगे इस्तीफा जब तक नहीं देंगे तब तक हमारा। देखिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी इग्नोर करके निकल गए, मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगे, इससे लगता है जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म का पालन करने में ये गलती कर गए। अब उनके पास एक विकल्प है, जो अविलंब उस मंत्री को बर्खास्त करें। बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग और उसकी नीतियां जिम्मेदार हैं। बिहार में हर साल जून के महीने में मुजफ्फरपुर और आसपास के एरिया में जिस तरह से सैकड़ों बच्चों की मौत होती है, वो सरकार की आपराधिक लापरवाही का नतीजा है। नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं को दुख प्रकट करने बेगूसराय और मुंगेर तक हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, लेकिन 150-200 बच्चे मुजफ्फरपुर में मौत के शिकार हुए इलाज के अभाव में, चूंकि वो गरीब और दलित वर्ग से बच्चे आते हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, तो उसे देखने नहीं गए। ये कैसी सरकार है? जवाबदेही तय होनी चाहिए। 14 साल से चीफ मिनिस्टर नीतीश जी हैं और उस 14 साल में 12.5 साल बीजेपी का आदमी स्वास्थ्य मंत्री रहा है। जवाबदेही तय होनी चाहिए और इन सब पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मांग करते हैं कि जो दोषी हो उस पर हत्या के मुकदमा चले, चलना चाहिए। हत्या है, देखभाल नहीं किया, हत्या होना चाहिए, हत्या का मुकदमा होना चाहिए, जांच होना चाहिए। सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। नीतीश कुमार ने कहा कि सर्वदलीय बैठक हो, आप सबों का सहयोग चाहिए और इसका एक रास्ता निकाला जाए, चूंकि ये प्रकृति की मार है। गंभीर मसलों पर बहस हुई और नेता प्रतिपक्ष गायब थे। क्या प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जनता से नहीं है? क्या एक बार हार जाने के बाद फ्रस्ट्रेशन इतना बड़ा होता है कि आप लोकतंत्र से मुंह मोड़ लीजिए, अपनी जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ लीजिए। यदि जिम्मेवारी से मुंह मोड़ना है तो क्यों बने हुए हैं नेता प्रतिपक्ष के पद पर? आज बहुत गंभीर बहस हुई है और उस गंभीर बहस की विस्तार से चर्चा की गई है और अपोजिशन संतुष्ट होने के लिए सारे तथ्य और प्रमाण उसमें थे, लेकिन प्रमाणों पर किसी की चिंता हो तब तो, जिसकी चिंता जिसका स्वभाव हुल्लड़ करना, विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करना है, इतना ही है, उसे इन बातों की क्या समझ है, क्या तथ्य है, किन कारणों से हुई, सरकार कितनी चिंतित है और सरकार ने कितने प्रयास किए। सरकार ने हर बातों का प्रयास किया और तथ्यों के साथ जवाब दिया और सारे लोगों को संतुष्ट होने के लिए काफ़ी प्रमाण थे उसमें। इस्तीफा मांगा जा रहा है मंत्री जी? देखिए, ये तो वो लोग मांग रहे हैं जो कुछ करते नहीं हैं, जिनके राज में हजारों हजार हत्याएं जाति के नाम पर होती थी, वो जब इन बातों की करते हैं तो सिवाय हास्यास्पद के, दुर्भाग्यपूर्ण के और कुछ नहीं कहा जा सकता। विपक्ष की मांग थी कि मंगल पांडे को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार ने क्या किया? भाई, सदन में चर्चा की बात होती है, सदन खुला है चर्चा के लिए। इस्तीफा ये तो एक राजनीति है और इस तरह के मामलों में चर्चा करनी चाहिए, चर्चा करे, सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन जितने बच्चों की मौत हुई है उसका दोषी कौन, विपक्ष का कहना है? देश में वो है कि नहीं, बिहार में है कि नहीं? लेकिन नीतीश तो बोल रहे हैं कि प्रकृति की मार है। सारी दुनिया देख रही है, जिस हिसाब से जल संकट है, जिस तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ है, वो साधारण हुआ है। और लाशों पर राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए, जनता ने चुनकर भेजा है सदन में, उस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए और सबको मिल बैठकर रास्ता ढूंढना चाहिए। तो ये सर्वदलीय बैठक होगी, आ रहा है समय, सब कुछ होगी। तो जदयू के MLC हैं गुलाम रसूल वलियावी जी, इनका कहना है कि ये प्रकृति की मार है, सब लोगों को एक साथ बैठ करके
इसका रास्ता निकालना चाहिए। और ये चर्चा के लिए विधानमंडल का जो सत्र चल रहा है इसमें चर्चा सारे कार्य को स्थगित कर करके जो चमकी बुखार है उस पर चर्चा की गई, सरकार ने जवाब दिया, विपक्ष ने भी हंगामा किया। विपक्ष की एक ही मांग रही है कि इस पर स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें। नीतीश कुमार ने सदन में बाजाप्ता इसका अपना जो भी अपना ओपिनियन था उन्होंने अपना रखा है और नीतीश ने साफ तौर पर कहा है कि ये प्रकृति की मार है, इस पर हम सभी को एक साथ मिल करके इसका उपाय ढूंढना होगा और वो हो सकता है कि सर्वदलीय बैठक भी बुलवाएं और इस पर चर्चा करें, क्योंकि ये पर्यावरण का भी कहीं ना कहीं दोष लग रहा है कि पानी का लेयर नीचे चला गया है, पेड़ों को लगाना होगा। तो नीतीश कुमार का कहना है कि ये पर्यावरण का भी दोष है और ये प्रकृति की मार है और इसका रास्ता हम सबको निकालना होगा ताकि भविष्य में बच्चों की मौत नहीं हो। लेकिन सबके पीछे एक मुद्दा जो छूट गया वो रह गया ये कि तेजस्वी यादव आज भी सदन में नहीं दिखे। सरकार ने विपक्षियों को घेरा है कि जब प्रतिपक्ष के नेता ही मजबूत नहीं हैं तो चर्चा किस बात की होगी। विपक्षियों का कहना है कि सरकार चमकी बुखार पर स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा दे, लेकिन सबके बावजूद में अभी विधानमंडल का में अभी चर्चा जारी रहेगी और आने वाले समय में ये पता चलेगा कि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, सबों को एक साथ मिल करके इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और इसका रास्ता निकालना होगा। सहयोगी अजय कुमार के साथ मनोज नारायण सिंह, शर्मा लाइव, पटना।